बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 502 मॉडल गर्ल्स कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 15 ऑफ योर सब्जेक्ट इंग्लिश। आई एम नौशाबा जंजुआ। आई विल डिस्कस अबाउट द नॉवल व्हिच इज़ इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप अपनी नॉवल की जो बुक है आपकी, वो ओपन करिए। उसका पेज नंबर आपने खोलना है 1। द नॉवल नेम इज द प्रिंस एंड द पॉपर। जब आप पेज नंबर 1 ओपन करते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है आ पॉपर एंड आ प्रिंस। तो मैं ये आप लोगों के लिए रीड करने लगी हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसके साथ साथ उर्दू में भी समझाऊं, ताकि आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसमें अभी सबसे पहले तो आप जब पेज 1 ओपन करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है टू बॉयज़ आर बॉर्न इन 1537 इन द सिटी ऑफ लंदन। अ बेबी बॉय वॉज बॉर्न, हिज नेम वॉज टॉम कैंटी। हिज फैमिली वर पुअर एंड दे डिड नॉट वॉन्ट हिम एट ऑल। टॉम वॉज अ पॉपर, अ पुअर बेगर। Another baby boy was born on the same day. His name was Edward Tudor and he was not a pauper. He was a prince, a king's son, and his family wanted him very much. His father was King Henry the 8th of the England. The people of England wanted Edward too. King Henry had 2 daughters, but he wanted a son to rule England after his death. At last his wife Queen Jane had a baby boy, but she died when the baby prince was born. Although the people of England were very sad about the poor queen, they were excited about the little prince. For many years they had waited and hoped for a son for their king. There was music and dancing, fun and feasting everywhere. Everyone talked about the baby prince, but nobody was interested in little Tom Canty. तो dear students, यहाँ पर जो मैंने आपके लिए पढ़ा है ना पेज 1 को, तो इसमें सबसे पहले जो मैंने रीडिंग की है, इसमें आपने कुछ, आपको इसका अंदाज़ा हुआ होगा कि दो बॉयज़ जो थे उनकी बर्थ के बारे में बात हुई है। एक तो जो छोटा बच्चा था वो 1537 में लंदन के एक सिटी में पैदा हुआ है, और उसका नेम था टॉम कैंटी। वो एक पुअर फैमिली से था, गरीब घराने में पैदा हुआ है। और उसके बरक्स साथ अगर आप देखें तो जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है अनदर बेबी बॉय वॉज बॉर्न ऑन द सेम डे। तो वहाँ पे ही एक और घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ है जो कि बहुत रिच फैमिली से था, अमीर घराने से उसका ताल्लुक था, और वो वहाँ का जो बादशाह था उस एडवर्ड 8th, ठीक है, उसके घर में पैदा हुआ है। और जो किंग एडवर्ड था उसकी पहले बेटियाँ थी 2, और उसकी ख्वाहिश थी कि एक उसका बेटा भी पैदा हो, ताकि वो उस मुल्क पे रूल कर सके, सल्तनत कर सके इंग्लैंड में। अब वहाँ के जो लोग थे वो उदास हो गए इस वजह से कि क्वीन जो थी वो जेन क्वीन, उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बेटे के लिए तो बहुत ज़्यादा, जब उसकी विलादत हुई किंग के बेटे की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक और उसके साथ साथ फीस्ट एंड पार्टीज़ और वो सारी चीज़ें उनका एहतमाम किया गया। लेकिन किसी भी बंदे ने पुअर फैमिली का जो बच्चा था जिसका नेम टॉम था और वो एक बेगर का, एक बेकारी का बेटा था, उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा। तो क्लास 6, ये आई थिंक आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होएगा कि यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है टू बॉयज़ आर बॉर्न, दो लड़के पैदा होते हैं उनके बारे में आपने देखा कि एट द सेम टाइम देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द टू फैमिलीज। दो फैमिलीज़ का आपस में एक कंपैरिजन है, जो कि एक यू कैन से एक तो रिच फैमिली है और साथ में एक जो है वो गरीब घराने के बच्चा है, जिसके बारे में किसी ने इवन बॉदर ही नहीं किया, ना किसी ने कंसिडर किया उस बॉय को, जो कि एक भिखारी का बच्चा था और उसका नाम, उसका जो नेम था वो टॉम कैंटी था, ठीक है। और जो किंग का बेटा था, प्रिंस था, उसकी बर्थ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस किए गए, ठीक हो गया। तो अभी जब आप इसी पेज 1 के बॉटम पे आप देखते हो ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ द कैंटी फैमिली ऑफ फिश स्ट्रीट। तो कैंटी फैमिली के बारे में हम पढ़ते हैं,
ये पेज नंबर 1 है और यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवरल ईयर्स पास्ट लंदन वॉज 1500 ईयर्स ओल्ड इट हैड ग्रोन इनटू अ बिग क्राउडेड सिटी विद नैरो स्ट्रीट्स ऑफ वुडन हाउसेस टॉम्स फैमिली लिव्ड इन फर्स्ट फिश स्ट्रीट देयर हाउस वॉज स्मॉल ओल्ड एंड फुल ऑफ पुअर फैमिलीज द कैंटी फैमिली लिव्ड इन वन रूम ऑन द थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो एक तذکرہ किया गया है ना, यू कैन से इन उर्दू के वो एक वजाहत की गई है कि जो पुअर बॉय था वो एक तंग सी गली में रहता था, ठीक है। उसकी टॉम फैमिली जो थी वो कहाँ पे रहती थी, फिश स्ट्रीट में रहती थी, और हाउस जो था बहुत छोटा था उनका, ओल्ड फैशन था और फुल ऑफ पुअर फैमिलीज, और वहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग और भी रहते थे एट द सेम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप इसको देखते हो पेज 1 को, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो फर्स्ट जो फैमिली थी वो उस किंग की फैमिली थी जिसने किंग 8 उसका, ठीक है, एडवर्ड किंग की फैमिली थी, जहाँ पे वो प्रिंस पैदा हुआ और उसके विलादत पे बहुत ज़्यादा पूरे इंग्लैंड में, ठीक है, लंदन में खुशियाँ जो थी वो मनाई गई। इवन दो कि वो क्वीन जो थी वो ड्यूरिंग बर्थ उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रिंस की विलादत की खुशी बहुत ज़्यादा मनाई, ठीक है। तो एट द सेम टाइम जो पुअर बॉय था उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब यहाँ पे जब आप आते हो ना पेज नंबर 2 पे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टॉम्स मदर एंड फादर हैड अ बेड इन द कॉर्नर, टॉम हैज़ 2 सिस्टर्स एंड हिज ग्रैंड मदर स्लेप्ट ऑन स्ट्रॉ ऑन द डर्टी फ्लोर, स्ट्रॉ इज ड्राई ग्रास, हॉर्सेस एंड क्रोज लाई ऑन स्ट्रॉ, बट इन लंदन इन द 1500s मैनी पुअर पीपल ले ऑन स्ट्रॉ ऑन द फ्लोर बिकॉज दे हैड नो बेड्स। तो आप देखिए ये 1500 जो सदी थी ना उसके बारे के सारे हालात बताए जा रहे हैं कि जो टॉम्स की मदर थी और उसके फादर, उनका तो एक कोने में कॉर्नर में एक जो था वो बेड लगा हुआ था घर के कोने में, टॉम हिज टू सिस्टर्स एंड हिज ग्रैंड मदर स्लेप्ट ऑन स्ट्रॉ ऑन द डर्टी फ्लोर, और वो टॉम और उसकी दो सिस्टर्स और उसकी जो दादी माँ थी, ठीक है, ग्रैंड मदर थी, वो एक तिनकू का बना हुआ, यू कैन से बहुत जिसको कहते हैं रफ सा एक उनका बेड था, जिसमें बहुत सारे लीव्स को और तिनकू को इकट्ठा करके वो एक बेडिंग की तरह का किया जाता है, वहाँ पे वो सोते थे। बिकॉज उन डेज़ में वो लोग इतने अमीर नहीं थे और उनके पास प्रॉपर अपने घर का सामान नहीं था। टॉम्स मदर एंड सिस्टर्स वर काइंड एंड गुड एंड लव देयर बॉय डियरली, बट हिज फादर एंड ग्रैंड मदर वर विकड एंड क्रूअल, जॉन कैंटी वॉज अ थीफ एंड जॉन कैंटीज मदर वॉज अ बेगर, दे टॉट द चिल्ड्रेन टू बेग, हाउ एवर दे कुड नॉट टीच दैम टू स्टील बिकॉज ऑफ फादर एंड यू। अब मैं यहाँ पर ये बताऊँ आपको कि टॉम की जो मदर थी वो एंड सिस्टर्स वर काइंड एंड गुड, टॉम की जो मदर थी उसकी वालिदा और उसकी जो बहनें थीं वो मेहरबान और अच्छी थी, एंड लव देयर बॉय डियरली, और वो जो बच्चा पैदा हुआ था जिसका नेम टॉम था उसे वो बहुत प्यार करती थी, बट हिज फादर एंड ग्रैंड मदर वर विकेड एंड क्रूअल, लेकिन उसका जो फादर था उसका बाप था और उसकी जो ग्रैंड मदर थी जो उसकी दादी माँ थी वो बहुत क्रूअल मतलब कि जालिम थे, ठीक है, और एट द सेम टाइम वो बहुत होशियार और मकार भी थे। अब यहाँ पे है कि जो जॉन कैंटी था ना वो अपने बच्चों को ये कहता था कि तुम लोग खैरात मांगो, बेगिंग का मतलब होता है खैरात मांगो, तुम लोग काम नहीं करो तुम लोग बेगिंग करो, लोगों के पास जाओ और उनसे पैसे मांगो। जैसे या आपको पता है हमारी सोसाइटी में भी इफ़ यू विजिट द रोड्स, ठीक है, यू कैन सी लॉट ऑफ बैगर्स, ठीक है, जब आप इवन जब आप ड्राइव करते हो तब भी आप देखते हो कि देयर आर सो मैनी लॉट ऑफ पीपल हु आर बेगिंग ऑन द रोड्स, ठीक है, देयर प्रोफेशनल्स, और क्या उनका काम होता है कि वो बेगिंग करते हैं। हालांकि हमारे मज़हब हमारे रिलीजन में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नफ़ी की गई है, हमारे मज़हब इस्लाम में जो है वो हार्ड वर्क पे जोर दिया गया है, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि आप अपने हाथ से काम करो, अपने हाथ से रिज़्क़ हलाल के लिए आप जो है तगोदो करो, लेकिन ये जो फैमिली का बैकग्राउंड बताया जा रहा है यहाँ पे जो फादर है वो अपने बच्चों को बेगिंग पे ही लगा रहा है, उनको कह रहा है कि योर प्रोफेशन इज़ बेगिंग, यू विल हैव टू बैग फ्रॉम द पीपल, ठीक है, तो वो ये नहीं उनको कह रहा कि आप यू शुड वर्क हार्ड एंड थिंग्स लाइक दैट, वो ऐसा नहीं उनको लेसन दे रहा, बल्कि वो उनको कह रहा है कि आप मांग के अपना जो है लाइफ को चलाओ।
तो ये उसके बारे में सारा जो डिटेल्स थी मैंने आपको बताई हैं। अभी यहाँ पे देखिए फादर एंड्रियो के बारे में बताया हुआ है। हु इज़ द फादर एंड्रियो, वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बुक। फादर एंड्रियो वॉज एन ओल्ड प्रीस्ट, ही हैड वर्कड फॉर द किंग एंड हिज फैमिली, ही लिव्ड विद देम इन द ग्रेट पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर। बट व्हेन ही बिकेम ओल्ड द किंग सेंट फादर एंड्रियो अवे विदाउट एनी मनी। No, now the old priest was very poor. He had a small dark room in an old house in Fish Street. He taught the children secretly. That was very unusual in those days. Only rich children had teachers. Tom was a good pupil. तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँ कि फादर एंड्रियो जो था ना वो वहाँ पे एक चर्च में पहले किंग का जो चर्च था ना जो कि स्पेसिफिकली किंग वहाँ पे जाके इबादत करता था उस चर्च का वो प्रीस्ट था। प्रीस्ट मींस के जो यू कैन से द पर्सन हु टीचेस अबाउट द रिलीजन, जो कि मज़हब के बारे में, जैसे हमारे स्कॉलर्स होते हैं ना, जैसे हमारे मज़हब में लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू टीच द रिलीजन इस्लाम। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से ऐसा बंदा जो के मज़हब के बारे में बताता है और लोगों को हिदायत देता है और अपने मज़हब को फैलाता है, ठीक है। तो इन द क्रिश्चियन सोसाइटी वी यूज़ द वर्ड प्रीस्ट, तो हम क्या करते हैं उसको उर्दू में आप ऐसे ही ले सकते हो जैसे हमारे उलमाए कराम है पाकिस्तान में या हमारी मुस्लिम सोसाइटी में, ठीक है, जो हमारे उलमाए कराम है इस तरह से उनका एक प्रीस्ट होता है जो कि उनको अच्छी बातें बताता है। और ये वो प्रीस्ट था फादर एंड्रयू जो कि रॉयल प्रीस्ट था, जो कि किंग का स्पेसिफिक बंदा था, जो कि उसके महल में रहता था और वहाँ पे मज़हब जो था वो टीच करता था, क्रिश्चियनिटी के बारे में बातें बताता था। लेकिन आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर में द पीपल दे आर वेरी क्लेवर इनफ और वो ये करते हैं कि वो जब अपना काम यू कैन से द ओल्ड हाउसेस भी वहाँ पे होते हैं ना, तो वो जब एक बंदा यंग होता है उससे काम लेते हैं और फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको साइड पे कह देते हैं कि आप चले जाओ, यू कैन गो अवे, ठीक है। तो सेम इज़ द केस विद द प्रीस्ट के वो तो जब यंग था तो वो बादशाह की खिदमत करता रहा, वहाँ पे किंग के जितने भी लोग थे उनको वो मज़हब सिखाता रहा। लेकिन जब वो फादर एंड्रयू बूढ़ा हो गया तो बादशाह ने उसको महल से निकाल दिया और वो कहाँ पे चला गया, वो उन्हीं लोगों के पास चला गया जो कि उसके साथ पुअर लोग थे, जहाँ पे वो उनके साथ रहना शुरू हो गया, ठीक है। तो फिर उसने ये किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बादशाह के नोटिस में लाए बगैर जो है मज़हब की तालीम देता रहा। तो आई थिंक ये मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया है, दैट वाज ऑल अबाउट द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। तो इसमें नॉवल में बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत ज़्यादा ये डीप फिलॉसफी आपको बताई गई है, जहाँ पे दो एट द सेम टाइम दो रिलीजन्स का भी कंपैरिजन है, यानी कि उनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ना उनको भी राइटर ने बड़े अच्छे तरीके से उजागर किया है। तो क्लासिक्स ये जो आज आपका लेक्चर है ना ये फर्स्ट चैप्टर है, ये काफ़ी इतना तो लंबा नहीं है लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसको ज़्यादा अच्छा डिटेल में अच्छा सा स्टार्ट मैंने लिया है इसका और मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में आपको ये बताऊँ ताकि आपको हर चीज़ की अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसमें मैंने आई वॉन्टेड टू एंड अप द चैप्टर बट इन दिस लेक्चर आई विल नॉट फिनिश दिस चैप्टर बिकॉज I will take another lecture for the same chapter. उसमें ये होगा कि ये जो remaining इसका पेज रह गया है ना जो कि पेज नंबर 3 और 4 है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करवाऊँगी। और वन थिंग मोर कि अभी मैं आपको इसमें असाइनमेंट्स दूँगी, जो कि आपकी एक असाइनमेंट आएगी जिसमें मैंने जितना भी कोर्स आपने मेरे साथ किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1, ठीक है, वहाँ से लेके अभी तक जितना आप मेरे साथ कर चुके हो जिसमें नॉवल भी इंक्लूडेड होगा, जितना नॉवल का हिस्सा पढ़ोगे ना मेरे साथ आप वो भी मैं शामिल करूँगी। असाइनमेंट जो होगी वो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको इस लेक्चर में उसका तरीकाकार भी बता देती हूँ कि मैं इसमें आपको दूँगी 25 MCQs होंगे, यानी दैट विल बी यू कैन से द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैं आपको MCQs दूँगी, ब्लैंक्स दूँगी और कुछ राइट रॉन्ग ट्रू फॉल्स दे दूंगी, ठीक है, ये 25 होंगे। उसके अलावा मैं 20 जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दूंगी जो कि आपके सिलेबस में से होंगे, जितना भी काम आपने किया है ना अभी इंग्लिश का मेरे साथ सिलेबस उसी सब को मैं कवर अप करूंगी।
इसके अलावा एसेज और स्टोरीज़ और एप्लीकेशंस जो मैंने आपको करवाए हुए हैं वो भी मैं ऐड अप करूँगी और इंशाल्लाह एक लेंथी सी असाइनमेंट नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड कर दूँगी, जो कि आपने सॉल्व करके क्लासिक्स जब आप स्कूल आओगे ना तो वो आपका होमवर्क टास्क होएगा, असाइनमेंट जो कि मेरे पास वन बाई वन आपने सबमिट करवानी है। जब आप वो मुझे सबमिट करवाओगे तो उसकी बाकायदा तौर पे आपकी मार्किंग होएगी जो कि आपके एग्ज़ाम में भी इंक्लूडेड होगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर असाइनमेंट। तो अभी क्लास फाइव ये जो आज का लेक्चर था ये आपका नॉवल के बारे में था, जिसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश में भी प्लस मैंने उर्दू में भी आपको समझाया है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होएगा। तो अब इसके एंड पे मैंने आपका एक होमवर्क टास्क ये दिया है कि आपने क्वेश्चन लिखना है, राइट अ नोट अबाउट फादर एंड्रयू, ठीक है। तो आपने इसका जो आंसर लिखना है वो पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है, जहाँ पे फादर एंड्रयू की आपके पास है ना हेडिंग दी हुई है और एक पिक्चर भी है जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आदमी खड़ा है और उसके साथ एक जो है छोटा बच्चा है जो शेक हैंड कर रहा है आई थिंक। तो ये आपने यहाँ से लास्ट वाले पैराग्राफ से लेके आगे सारा जो ये है ना ये आपका क्वेश्चन बनेगा चैप्टर नंबर 1 से और ये पेज 3 है, इसमें आगे सारा आप रीड करोगे और इसके कम अज़ कम आपने एटलीस्ट आपने 10 पॉइंट्स लिखने हैं फादर एंड्रयू के बारे में। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, काफ़ी सारा मैंने अभी आपको बता भी दिया है, तो मुझे अच्छा सा इसका नोट आप बना के दोगे, ठीक है। और आई थिंक मैं इसको असाइनमेंट में भी शामिल कर दूँगी। तो इसमें आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करके कॉपीज़ पे नोटबुक पे राइट डाउन करना है। ओके क्लास सिक्स दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।